नमस्कार एसआरबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो हमें दे रखा है ऑन डिवाइडिंग x की 3 माइनस 3 x की 2 प्लस x प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल जी एक्स द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2 x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली फाइंड जी एक्स। मतलब हमें इसमें क्वेश्चन और रिमाइंडर दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी एक्स। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला लिख रखा है मैंने आपके सामने, पी एक्स इज इक्वल टू में जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो पी एक्स फंक्शन हमारे पास दे रखा है, पी एक्स फंक्शन हमारे पास ये दे रखा है, ये हमारे पास पी एक्स फंक्शन है। हम इस पी एक्स फंक्शन का यूज करते हुए ये पी एक्स फंक्शन दे रखा है हमें, ये हम लिखते हैं सबसे पहले एक्स की 3 माइनस में 3 एक्स की 2 प्लस में एक्स प्लस में 2। ठीक है, इजिकल टू जी एक्स जी एक्स मल्टीप्लाई आर क्यू एक्स। क्यू एक्स को बोलते हैं क्यूसेंट, क्या बोलते हैं क्यूसेंट। तो क्यूसेंट के काम पे हमारा क्यूसेंट का पहले जिक्र नाम लिया था इसने, और क्यूसेंट हमें कितना रखा है एक्स माइनस टू, तो क्वेश्चन दे रखा है एक्स माइनस टू ब्रेकेट बंद कर दी प्लस में आर एक्स को बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर हमें दे रखा है माइनस टू एक्स प्लस फोर, मतलब माइनस टू एक्स प्लस फोर। अब सबसे पहले मैं इस पूरे फंक्शन मतलब रिमाइंडर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लगते हैं इजिकल टू के इधर, तो इनके जो निशान होते हैं मतलब सिंबल होते हैं वो चेंज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की 3 माइनस में देखो आगे क्या करते हैं 3x की 2 प्लस में एक्स प्लस में 2, ये तो हमारा सेम था। अब यहाँ पे माइनस 2x इधर आके क्या होता है प्लस का 2x होता है। ठीक है, और ये प्लस का 4 इधर आके क्या जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि हमारे पास इजिकल टू में ये gx था, gx और मल्टीप्लाई में क्या था x माइनस 2 था। अब ध्यान से देखो x की 3 सेम माइनस में 3x की 2, ये प्लस का x प्लस का 2x, तो प्लस का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये प्लस का 2 माइनस का 4, माइनस का 2 बचेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में 2 जाता है 2 बचेगा, और नेगेटिव निशान क्यों, क्योंकि 4 बड़ी टर्म थी तो उसके सामने माइनस था, तो उसके सामने माइनस लग गया। अब ये जी एक्स है। अब देखो यहाँ पे एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई में इधर अगर इसको इधर भेजेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। मतलब जी एक्स फंक्शन जब निकलेगा जब हम इस एक्स माइनस 2 को इस पॉलिनोमियल फंक्शन से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो हम डिवाइड करते हैं एक्स की 3 माइनस में 3x की 2 प्लस में 3x माइनस 2। इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, इसको हम करते हैं x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम x माइनस 2 से देखो डिवाइड कर रहे हैं तो आपके सामने क्या हो जाएगा हमारे पास है? देखो सबसे पहले यहाँ पे x की 3 है तो हम यहाँ पे देखेंगे x है हमारा, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे x की 2 से करेंगे, क्योंकि x की 2 को जब x से करते हो तो हमारे पास क्या आता है x की 3 आता है, और x की 2 को आप जब माइनस 2 से करोगे तो क्या आता है माइनस का 2x की 2 आता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये माइनस है इसके अपोजिट प्लस, प्लस इसका प्लस है तो इसके अपोजिट माइनस। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, ये देखो माइनस का 3x की 2 और भाई प्लस 2x की 2, तो माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन देखो जो आपके पास 3 नंबर बड़ा है उसके सामने माइनस तो माइनस का x की 2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में 3x माइनस का 2। ठीक है, अब आप देखो आगे क्या करना है आपको, आगे आपको करना है यहाँ पे माइनस एक्स की 2 आ गया, लेकिन देखो यहाँ पे एक्स की पावर देखो 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो हम 1x से तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आगे कोफिशियंट के आगे क्या है माइनस है, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, अब माइनस एक्स को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स की 2, और माइनस एक्स को इस माइनस 2 से करें तो माइनस माइनस प्लस, और 2 को भी आप एक्स से करते हो तो क्या होता है 2x, लेकिन किसका प्लस का 2x। अब देखो माइनस अपोजिट प्लस, प्लस अपोजिट माइनस, ये कैंसिल हो गया, 3x में 2x चला गया तो x बचेगा x माइनस 2। अब आप किससे करोगे x माइनस 2 को, ये x माइनस 2 ही है, आप किससे करोगे 1 से करोगे तो x माइनस 2 ही आ जाएगा, आपका रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। ठीक है, तो हमारा जी एक्स फंक्शन ये आ गया है, वो क्या है जी एक्स फंक्शन है, कि हमें डिवाइड देना था और हमने डिवाइड दे दिया, तो हमारा जी एक्स फंक्शन क्या हो गया एक्स की 2 माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, थैंक्स।